नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र राजपूत वेदांता अकेडमी के जीएस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा इतिहास के अंतर्गत टॉपिक होगा वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। तो वैदिक काल या वैदिक सभ्यता के बारे में दोस्तों आज हमको पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो वैदिक सभ्यता आई है, वैदिक काल आया है, वो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता का विस्तार होता है या एक नई सभ्यता का जन्म होता है, जिसे वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल के जो निर्माता होते हैं, वैदिक काल को स्थापित करने वाले होते हैं, वो आर्य होते हैं। आर्य लोगों ने वैदिक सभ्यता को स्थापित किया है। और वैदिक सभ्यता जो आर्यों द्वारा स्थापित वैदिक सभ्यता है, उसका जो क्षेत्र होता है वो सप्त सैनिक क्षेत्र होता है। सप्त सैनिक क्षेत्र में वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था। और वैदिक सभ्यता का भारत में समाज के निर्माण और धर्म, समाज और धर्म को स्थापित करने में वैदिक सभ्यता का एक महत्वपूर्ण योगदान है भारतीय इतिहास। तो दोस्तों, आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में पूरा पढ़ते हैं। इसको दो लेक्चर में हम पढ़ेंगे, दो वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम वैदिक काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति पर चर्चा करेंगे। सेकेंड वीडियो में हम चर्चा करेंगे वैदिक काल के ऋग्वेद की, सामवेद की, यजुर्वेद की, अथर्ववेद की, ब्राह्मण ग्रंथों की, उपवेदों की, इस तरह से इसकी जो कहना चाहिए इस समय जो लिखे गया साहित्य का, उसकी चर्चा और उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे हम सेकेंड वीडियो में। तो आज हमारा जो वीडियो होगा, फर्स्ट वीडियो होगा, वो इसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति पर आधारित वीडियो है। इस वीडियो का सबसे ज्यादा महत्व जो है वो मुख्य परीक्षा के लिए है दोस्तों। मुख्य परीक्षा यानी कि MPPSC मेंस में इसका एक बड़ा महत्व योगदान है। और लगभग हर साल इसमें से हर एक दो साल बाद इसके क्वेश्चन रिपीट होते ही रहते हैं दोस्तों। यहाँ जो क्वेश्चन बनते हैं मेंस में, जो क्वेश्चन बनते हैं वो एक तो 6 मार्कर्स बनते हैं, यानी कि 100 वर्ड के क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरे हमारे 3 मार्कर्स बनते हैं, यानी कि एक या दो से एक या दो लाइन में जो आंसर जिनके देने होते हैं वह क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। तो एक या दो लाइन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें तो कुछ भी कहना चाहिए कि लिखने को आ सकता है। जैसे वेद के बारे में लिखने को आ सकता है, ऋग्वेद के बारे में लिखने को आ सकता है, सप्त सैनिक प्रदेश की नदियां आ सकती हैं, इस तरह से ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में लिखने को आ सकता है। इस तरह से कोई भी पॉइंट जहां से लगभग ऑब्जेक्ट बनने की संभावना होती है, वहां से 3 मार्कर्स क्वेश्चन यानी एक या दो लाइन वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो बनने के पूरे पूरे चांस होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है 3 मार्कर्स को तो कम से कम अपने हिसाब से लिखेंगे ही। अब बात आती है 6 मार्कर्स की, और आपके अगली आती है 15 मार्कर्स यानी कि 300 वर्ड वाले क्वेश्चन की। तो दोस्तों, 300 शब्द वाले जो क्वेश्चन है, 300 वर्ड्स के क्वेश्चन है, वो तो यहाँ से कम ही बनते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेंगे वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांस अधिक कहना चाहिए, सबसे ज्यादा संभावना जो रहेगी वो आपकी 100 वर्ड्स वाले क्वेश्चन की रहेगी, यानी 6 मार्कर्स की रहेगी, जिसमें हमको वैदिक काल की या फिर उत्तर वैदिक काल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, धार्मिक स्थिति पर क्वेश्चन यहाँ से अलग अलग करके सेपरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि MPPSC 2017 में मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वैदिक काल में कहना चाहिए 1000 BC से 600 BC यानी कि उत्तर वैदिक काल की सामाजिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए या सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालिए, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसके साथ साथ 2002 में इसकी आर्थिक स्थिति पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2002 में इसकी धार्मिक स्थिति पर, वैदिक काल की धार्मिक स्थिति पर 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है UPSC में। तो इस तरह से इसमें से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति को लेकर के कोई भी 6 मार्कर से यानी 100 वर्ड में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
तो आप इन क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करेंगे, आप पर डे क्वेश्चन लिखें, धीरे धीरे करके लिखें, तो आपकी तैयारी जो है, एक कहना चाहिए आपके अंदर लिखने की कला विकसित स्वतः ही हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ हम भी बताएंगे आपको क्वेश्चन कैसे लिखना होता है। तो क्वेश्चन को हम जानते हैं कि तीन पार्ट में क्वेश्चन को लिखना पड़ता है। पहला पार्ट इसका भूमिका होता है, और दूसरा पार्ट इसका जो होता है, दूसरा पार्ट जो होता है वो इसका मेन बॉडी होती है, यानी मुख्य भाग होता है क्वेश्चन का। और तीसरा क्वेश्चन जो होता है सिक्स मार्कर्स में, वो आपका निष्कर्ष होता है एक या दो लाइन का, एक या दो लाइन का इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखना पड़ता है। और निष्कर्ष नहीं भी लिखे तब भी कोई बात नहीं है, निष्कर्ष लिखना या सिक्स मार्कर्स में कंपलसरी नहीं होता, लेकिन 15 मार्कर्स जो आते हैं, 300 शब्द का क्वेश्चन आता है, उसमें निष्कर्ष लिखना आवश्यक होता है। तो दोस्तों इसकी जो लिखने का जो तरीका है, क्या इसकी राइटिंग स्किल होनी चाहिए, इसके लिए आप प्रैक्टिस करें, और चाहे तो मुझे भी मेरे व्हाट्सएप नंबर 9826615 64 पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और मैं इसका आपको मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं बड़ा लिख देता हूँ उसको। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9826615 64, इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो फिर मैं इसका एक आइडियल आंसर आपको लिख के सेंड कर दूंगा। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन को लिखा नहीं जा सकता बोर्ड पर, इसलिए आपको व्हाट्सएप नंबर से मैं लिख करके इसका क्वेश्चन, एक आइडियल आंसर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसकी वैदिक काल को या वैदिक सभ्यता को। तो वैदिक काल या वैदिक सभ्यता को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि आखिर वैदिक काल या जो वैदिक सभ्यता थी वो एक कैसी सभ्यता थी। तो दोस्तों सबसे पहले हमने अभी इससे पहले जो वीडियो था उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा की थी, भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता रही है उसके बारे में चर्चा की थी। सिंधु घाटी सभ्यता हमारी एक शहरी सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता होती है, ग्रामीण सभ्यता होती है। वैदिक काल जो होता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आता है, या ये भी कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारत में वैदिक सभ्यता का उद्भव हुआ या विकास हुआ। इसके उद्भव के, या कहना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के जो कारण है, पतन के कारण है, उनमें से ही वैदिक सभ्यता के विकास के कारण भी कहना चाहिए उद्भव होते हैं या उत्पन्न होते हैं। जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पढ़ा था कि वैदिक सभ्यता के पतन को, सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक कारण विदेशी आक्रमण था, जिसमें आर्यों का आक्रमण था। आर्यों के आक्रमण को विदेशी आक्रमण बताया गया, यानी कह सकते हैं कि आर्यों के आक्रमण के कारण ही भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के जो कारण है वो आर्य रहे हैं, और आर्यों द्वारा भारत में स्थापित जो सभ्यता है वही वैदिक सभ्यता है, वही वैदिक सभ्यता जो आर्यों द्वारा स्थापित की गई है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं कहना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता का भी कुछ योगदान रहेगा वैदिक सभ्यता में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वैदिक सभ्यता को। वैदिक सभ्यता भारत में आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता है। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य होते हैं। आर्य दोस्तों, आर्य का जो अर्थ होता है, आर्य का जो अर्थ बताया गया है वो बताया गया है कुलीन, कुलीन या आर्य का मतलब बताया गया है कुलीन, यानी कि उच्च कुल में पैदा हुआ, उच्च कुल में पैदा हुआ आर्य का अर्थ बताया गया है। तो आर्यों ने भारत के सप्त सैदव प्रदेश में, जहां पर सात नदियां जहां पर मिलती हैं, वहां पर इस सभ्यता को विकसित किया था, डेवलप किया था। जैसा कि हमने देखा है कि जो भी सभ्यता आई है हमारे यहाँ, जो भी सभ्यता आई है उस सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ है, चाहे वो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे हमारी
वैदिक सभ्यताओं नदियों के किनारे इन सभ्यताओं के विकसित होने का एक प्रमुख कारण होता है। नदियां जो होती हैं, जैसे चाहे तो सप्त सैलाब प्रदेश की नदियां ले लीजिए, चाहे हमारी सिंधु नदी को ले लीजिए, सिंधु और उसकी सहायक नदियों को ले लीजिए, उन नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहा करके लाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। तो जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होती है, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि नदियों की जो आसपास सभ्यता के विकास विकसित होने का जो प्रमुख कारण है, एक तो उस क्षेत्र का उपजाऊ होना जिससे वह क्षेत्र आर्थिक रूप से संपन्न होता है, दूसरा पानी की उपलब्धता, जल की उपलब्धता। ये दो प्रमुख ऐसे कारण हैं जिनके कारण इन क्षेत्रों का जो इस सभ्यता का जो विकास होता है वो सामान्यतः नदियों के किनारे ही होता है। तो भारत के सप्त सैलाब प्रदेश में जहाँ सात नदियां बहती थी, वहां पर सात नदियों के क्षेत्र में भारत में जो एक सभ्यता आर्यों द्वारा स्थापित की गई थी, उस सभ्यता का नाम है वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल इसका नाम होता है। वैदिक सभ्यता का प्रमुख योगदान भारत में समाज को स्थापित करना, समाज के विकास में और धर्म के विकास में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो वैदिक सभ्यता को अगर हम देखते हैं, इसके वैदिक सभ्यता के बारे में देखें, तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो ऋग्वैदिक काल और एक इसको बांटते हैं उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल दोस्तों, ऋग्वैदिक काल जो होता है उसका समय होता है 1500 बीसी से 1000 बीसी। 1500 बीसी से 1000 बीसी के समय, बीसी का जो समय होता है वो ऋग्वैदिक काल का होता है, और ऋग्वैदिक काल के बाद 1000 बीसी से 600 बीसी तक का जो समय होता है वो उत्तर वैदिक काल का होता है। उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 से 600 बीसी के बीच है, और ऋग्वैदिक काल के बाद जो कहना चाहिए ऋग्वैदिक काल का जो अंतिम हिस्सा है या वैदिक काल का जो अंतिम हिस्सा है वही हमारा उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल में कुछ विशेष परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो कोशिश करेंगे कि वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो अंतर है, जो वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो अंतर है, उसे हम एक साथ कंपैरेटिव स्टडी में पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे वैदिक काल और ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल एक साथ हमारे कवर होने का कहना चाहिए प्रयास हम करेंगे, एक साथ कवर करने की कोशिश इसको करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां से देखते हैं वैदिक ऋग्वैदिक काल जिसका समय होता है 1500 बीसी से 1000 बीसी। इसका ऋग्वैदिक काल का जो स्रोत है, ऋग्वैदिक काल की जो जानकारी हमको मिलती है वो मिलती है ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद दोस्तों हमारा सबसे पुराना वेद ऋग्वेद होता है, इसी से हमको वैदिक काल की जानकारी मिलती है। और ऋग्वेद जो होता है आर्यों से संबंधित, क्योंकि इस सभ्यता के जो संस्थापक होते हैं, इस सभ्यता के जो निर्माता होते हैं वो आर्य होते हैं। तो ऋग्वेद में आर्यों से संबंधित वर्णन किए गए हैं। अब इसके बाद उत्तर वैदिक काल जब आता है तो उत्तर वैदिक काल की आपको जानकारी उपलब्ध कराता है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। इनके माध्यम से आपको उत्तर वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। अब विस्तार की अगर बात करते हैं, तो इसका ऋग्वैदिक काल का जो विस्तार होता है केवल सप्त सैलाब प्रदेश होता है। सप्त सैलाब प्रदेश में जहां पर सात नदियां मिलती हैं तो उसी क्षेत्र में हमारा इसका विस्तार होता है। ठीक है, इसको हम मैप पर समझ सकते हैं। अब इसके बाद अगला जो उत्तर वैदिक काल होता है, चूंकि उत्तर वैदिक काल में कृषि का विस्तार अधिक हुआ था, लोहे का ज्ञान होने के कारण लोहे से कहना चाहिए हथियार बनाए जाने लगे, औजार बनाए जाने लगे। इन औजारों से जंगलों को काटना और उस पर खेती करना का कहना चाहिए आसान हो गया था। तो लोहे के उपयोग के कारण इस सभ्यता का जो है उत्तर वैदिक काल का या उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में कुछ विशेष परिवर्तन हुए, और उन विशेष परिवर्तनों के कारण इसका क्षेत्र का विस्तार भी हुआ था। तो इसका जो कहना चाहिए उत्तर वैदिक काल का जो क्षेत्र है या विस्तार है वो संपूर्ण उत्तरी भारत। उत्तरी भारत का मतलब अपन समझते ही हैं, तो उत्तरी भारत को अपन ने ज्योग्राफी में खूब समझा है ना। तो संपूर्ण उत्तरी भारत में इसका जो विस्तार है, कर्क रेखा से ऊपर का जो क्षेत्र मिलता है वो उत्तरी भारत होता है।
तो इसमें उत्तरी भारत में इसके विस्तार रहा था, इसका नाम इन्होंने दिया था आर्यावर्त, आर्यावर्त नाम दिया था, जो भारत का पुराना नाम भी है या भारत का वैदिक कालीन नाम भी है आर्यावर्त। ये ज्योग्राफी में इसके बारे में पढ़ाया भी गया है। अच्छा, इसके बाद इसका जो क्षेत्र था गंगा यमुना का दुआब क्षेत्र, गंगा यमुना के दुआब क्षेत्र में जो कहना चाहिए इसका विस्तार हुआ, इसको ब्रह्मर्षि देश, ब्रह्मर्षि देश के नाम से जाना गया। अगला इसका जो विस्तार है वो हिमालय और विंध्याचल का क्षेत्र है, हिमालय और विंध्याचल के क्षेत्र को मध्य प्रदेश के नाम से जाना गया, मध्य प्रदेश के नाम से हिमालय और विंध्याचल का क्षेत्र जाना गया। इस तरह से उत्तर वैदिक काल में कहना चाहिए कि उत्तर वैदिक काल में इसका विस्तार हुआ था, उत्तर वैदिक काल में वैदिक सभ्यता का विस्तार हुआ था। इसके बाद उत्तर वैदिक काल के बाद कृषि का विकसित कहना चाहिए, कृषि का सुव्यवस्थित उपयोग या कृषि का उन्नत तरीके से उपयोग होने के कारण लोहे का लोहा और अन्य धातुओं की खोज के कारण इसका जो कहना चाहिए क्षेत्र था वो और ज्यादा विस्तृत हो गया था, और ज्यादा विस्तृत हो गया। और यहाँ पर अब ये जो क्षेत्र था जिसमें हमारा आर्यावर्त, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि देश और मध्य प्रदेश, इससे भी कहीं ज्यादा विस्तार हुआ, जिसको कहना चाहिए हम इस पूरे जो विस्तार इसके बाद किया है इन धातुओं की खोज के बाद, तो इसको जो कहना चाहिए इसका विस्तृत स्वरूप वो था वो आपका महाजनपद है, महाजनपद है जिसमें इतिहास में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। इसके बाद उत्तर वैदिक काल के बाद, यानी कि उत्तर वैदिक काल के बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें महाजनपदों के बारे में पूरा बताया जाएगा। तो उत्तर वैदिक काल में लोहा जैसी धातुओं के खोजने के कारण और कृषि का समृद्ध उपयोग होने के कारण, कृषि का विस्तार होने के कारण कहना चाहिए कि इस क्षेत्र का और ज्यादा विस्तार हुआ, जिसी का एक स्वरूप जो मिलता है वो है आपका महाजनपद, महाजनपद। ठीक है, तो इसके बाद हम अगला देखते हैं राजनीतिक स्थिति। तो दोस्तों यहाँ पर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी जो है आपको उपलब्ध कराई गई है, या राजनीतिक व्यवस्था के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। तो दोस्तों हम चर्चा करते हैं वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी और उत्तर वैदिक काल के आते आते उस राजनीतिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए, इसको हम कंपैरेटिव स्टडी के रूप में पढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा है कि वैदिक सभ्यता थी वो पूरी एक कबीलाई सभ्यता थी, उस सभ्यता के अंतर्गत हम जो गुण देखते थे वो कबीलाई दिखते थे, कबीले के रूप में यहाँ पर जो है इसका विकास हुआ था। इस सभ्यता के जो लोग थे वो घुमंतु थे, यानी इनमें स्थायी निवास की प्रवृत्ति नहीं थी, स्थायी निवास की प्रवृत्ति इनमें नहीं थी, कबीला इंसान थे। तो अब इसकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में देखते हैं, तो यहाँ पर ये कबीले बना बना करके रहते थे, स्थायी निवास की इनमें प्रवृत्ति नहीं थी, और कबीले का महत्व इतना था कि उस किसी राजा की पहचान उसके कबीले से ही हुआ करती थी, कबीले से ही उसके से राजा की पहचान होती थी, और राजा जो होता था यहाँ पर राजा की पहचान कबीले से होती थी। और यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो जो राजनीतिक व्यवस्था में सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार हुआ करती थी, यानी कि वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में परिवार राजनीतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी, कुल या परिवार, कुल या परिवार का जो मुखिया हुआ करता था उसे कुलपति कहते थे, कुलपति कहते थे। और कई कुल या परिवार, कई कुल या परिवार मिलकर के एक ग्राम का निर्माण करते थे, यानी कि कह सकते हैं कि इसकी राजनीतिक व्यवस्था की दूसरी छोटी, सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार है, और कुल या परिवार के मिलने से ग्राम का निर्माण होता है, कई कुल या परिवार के समूह को हम ग्राम कहते थे, और ग्राम का जो मुखिया हुआ करता था वो ग्रामीणी कहलाता था, ग्रामीणी कहलाता था, और कई ग्रामों के मिलने से विश्व का निर्माण होता था, विश्व का निर्माण होता था, और विश्व का जो मुखिया होता था वो बृहस्पति हुआ करता, बृहस्पति इसका मुखिया हुआ करता था। और कई जब विष मिल जाते हैं, या कहना चाहिए विष के समूह को ही हम जन कहते थे, और जन का जो मुखिया हुआ करता था वो जनपति या राजा हुआ करता था, राजा यहाँ पर जो कहना चाहिए इसका मुखिया हुआ करता था। तो इसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, या इसकी कहना चाहिए राज व्यवस्था थी, जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसका जो क्रम है वो इस तरह से है। तो इसमें राजा हुआ करता था, और राजा की पहचान उसके कबीले से हुआ करती थी, कबीले से उसके राजा को पहचाना जाता था,
कबीले के साथ उसका जुड़ाव हुआ करता था, और इसके साथ साथ जो राजा हुआ करता था राजपद प्राप्त व्यवस्था थी यहाँ पर। और यहाँ पर जो राजा था, राजा को सलाह और सहायता देने के लिए जिस तरह से आज होता है उस तरह से राजा को सलाह और सहायता देने के लिए, या कहना चाहिए राजा पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुछ जनतांत्रिक संस्थाएं हुआ करती थी। जनतांत्रिक संस्थाओं का अर्थ है जिनमें जन भागीदारी होती थी, सामान्य लोगों की भागीदारी होती थी, उसको कहते थे जनतांत्रिक संस्थाएं। तो जनतांत्रिक संस्थाओं के रूप में यहाँ सभा, समिति, विदर्भ और गर्भ, ये चार जनतांत्रिक संस्थाएं थी जिनमें से सभा और समिति का एक अपना महत्व है। सभा या समिति जो हुआ करती थी, ये सभा ये श्रेष्ठ जनों की संस्था थी, श्रेष्ठ जनों की संस्था, श्रेष्ठ जनों की जो संस्था हुआ करती थी इसको सभा नाम दिया जाता था। सभा का जो कार्य होता था, सभा का कार्य होता था न्याय करना, न्याय करना सभा का कार्य होता था। और जो समिति हुआ करती थी, समिति इसकी जो दूसरी संस्था है वो एक जन समुदाय की संस्था थी, सामान्य जन समुदाय, जन समुदाय की जो संस्था थी उसका नाम था समिति। समिति जन समुदाय की प्रमुख संस्था थी और इसका जो काम हुआ करता था वो राजा का निर्वाचन हुआ करता था, शासक का निर्वाचन, शासक का चुनाव इसका मुख्य कार्य हुआ करता था। इसके साथ साथ अन्य जो समितियां हैं वो ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मुख्य तो यही है। तो अब इसके बाद जनतांत्रिक संस्थाएं हुई, अब जनतांत्रिक संस्थाओं के बाद, जनतांत्रिक संस्थाओं के बाद यहाँ पर इसकी कर व्यवस्था की बात आती है, कर व्यवस्था की आती है। तो यहाँ पर कर व्यवस्था के रूप में बलि, बलि एक कर हुआ करता था जो स्वेच्छा से दिया जाता था, बलि यहाँ का एक कर था जो जनता द्वारा स्वेच्छा से दिया जाता था, बलि प्रजा जनता द्वारा स्वेच्छा से देती थी जनता, इसे राजा को अपनी मर्जी से देती थी। और जो दिया जाता था बलि नाम का जो कर दिया जाता था वो राजा को जनता, राजा को जनता अपनी सुरक्षा के बदले में दिया करती थी। इस तरह से इसकी उत्तर ऋग्वैदिक कालीन कहना चाहिए राजनीतिक व्यवस्था हुई। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था के बाद क्या कहना चाहिए उत्तर वैदिक काल में इस राजनीतिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए इसके बारे में अब हम देखेंगे। जैसे जैसे समय बढ़ता है, जैसे जैसे समय बढ़ता है ऋग्वेद के बाद हम उत्तर वैदिक काल में पहुंचते हैं, यानी कि 1000 से 600 BC के मध्य जब पहुंचते हैं तो उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल के आते आते यहाँ पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं। वहां की ये सारी चीज तो ऐसी की ऐसी रही थी, यहाँ भी जो कहना चाहिए कि जो राज्य इसकी राजनीतिक संरचना की सबसे छोटी इकाई यहाँ भी कुल या परिवार की, ग्राम की, इसी तरह से कुल, परिवार, ग्राम और जन तक पहुंचे थे। सेम यही चीज रहती है, जनतांत्रिक संस्थाएं भी यही रहती है, जनतांत्रिक संस्थाएं भी यही रहती हैं, सभा, समिति, विदर्भ ये सब। और इसके साथ साथ बलिकर जो होता है, बलिकर का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में भी रहता है। तो ये तो वही वह सारी चीजें जो वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल की ओर या ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में भी जैसी की तैसी रही। तो जब हम मेंस का क्वेश्चन लिखें, मेंस में क्वेश्चन लिखें जैसे उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक संरचना, तो उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक संरचना का आधार हमें ऋग्वैदिक कालीन संरचना को लेकर के ही लिखना है। तो ये सारी चीजें तो कंटिन्यू इनमें भी करनी है। अब देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन क्या क्या हुए थे। तो उत्तर वैदिक काल में जो परिवर्तन होते हैं वो क्या क्या परिवर्तन होते हैं ये उत्तर वैदिक काल को देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो अभी जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ जो ऋग्वैदिक काल में जन जो हुआ करता था वो सबसे बड़ा कहना चाहिए प्रशासनिक इकाई थी। इसका क्षेत्र जो था वो सबसे बड़ा जन का हुआ करता था। इधर क्या हुआ, कृषि का समृद्ध उपयोग हुआ, कृषि का व्यवस्थित स्वरूप इसके सामने आया। इसके कारण राजा की शक्ति में कहना चाहिए जनपद का विस्तार हुआ,
इधर लोहे का उपयोग होने लगा, लोहे की खोज कर ली, जिसको लोहे को श्याम अयस्क के नाम से जाना गया था। श्याम अयस्क के नाम से लोहे को उत्तर वैदिक काल में जानते हैं। तो लोहे के उपयोग होने के कारण, लोहे का जब उपयोग कर लिया गया तो कृषि में लोहे के कहना चाहिए कि औजार उपयोग किए जाने लगे, टूल्स उपयोग किए जाने लगे लोहे के बने हुए, जिससे कृषि का कहना चाहिए जुताई होती थी, अच्छी हो जाती थी, उन्नत कृषि होने लगी थी। इसके साथ साथ लोहे के उपयोग से जो शासक वर्ग हुआ करता था उसकी सैन्य शक्ति में भी विस्तार हुआ, सैन्य शक्ति में वृद्धि हुई, क्योंकि अब यार सेना के पास लोहे के हथियार आ गए थे। लोहे के हथियारों का उपयोग करने से, लोहे के अस्त्र शस्त्रों का उपयोग करने से उसकी सैन्य शक्ति में भी विस्तार हुआ। इसके साथ साथ सैन्य शक्ति में विस्तार, लोहे के कारण सैन्य शक्ति में विस्तार होता है, उसका कृषि का कहना चाहिए कृषि जो है अच्छी होने लगती है, कृषि का विकास होने लगता है। इस तरह से उसका राजनीतिक का कहना चाहिए राजनीतिक जो व्यवस्था है उसका भी विस्तार होता है। और अब जन की जगह जनपद आ जाते हैं, जनपद का विकास आ जाता है, यानी कि लोहे के और कृषि के सुव्यवस्थित उपयोग के कारण इसका विस्तार होता है। ऋग्वैदिक कालीन समय का जो विस्तार होता है इसके कारण जनपद का विकास होता है, जनपद की अवधारणा सामने आती है। सैन्य शक्ति के विस्तार से भी वही विस्तार होगा, सैन्य शक्ति मजबूत होगी तो विस्तार होगा, उसके कारण जनपद जैसी अवधारणाएं आएंगी। और दूसरी अवधारणा यहाँ पर राजत्व की आ जाती है, जनसंख्या वृद्धि के कारण यहाँ पर राजत्व का सिद्धांत आ जाता है। राजत्व के सिद्धांत इत्यादि के आने के कारण ये कहना चाहिए कि यहाँ पर जो उत्तर वैदिक काल में ये राजनीतिक संरचना में होने वाले प्रमुख परिवर्तन है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में जो कहना चाहिए राजनीतिक संरचना में परिवर्तन हुए हैं उसके मुख्यतः दो कारण है, एक तो लोहे का विकास और दूसरा कृषि का कहना चाहिए व्यवस्थित स्वरूप, कृषि का व्यवस्थित स्वरूप। और इस वजह से कृषि के व्यवस्थित स्वरूप के कारण इनका जो घुमंतु जीवन था वो भी कब जो कहना चाहिए समाप्त हो गया था, और यहाँ पर स्थायी निवास की प्रवृत्ति इनमें धीरे धीरे आने लगी थी कृषि के विकास के कारण। तो ये आपकी कहना चाहिए वैदिक कालीन आपकी जो है राजनीतिक व्यवस्था हो गई। अब इसके बाद अगला हम पढ़ते हैं वैदिक कालीन की धार्मिक स्थिति, तो अगला देखते हैं धार्मिक स्थिति, वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति की चर्चा करते हैं। तो वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति में हम देखते हैं कि वैदिक काल में जो धर्म का स्वरूप था या धार्मिक स्थिति थी वो किस प्रकार की थी। तो वैदिक काल जो था, ऋग्वैदिक काल जो था या कहना चाहिए वैदिक काल है वो कबीलाई परंपरा पर आधारित था। तो धर्म इनकी ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में जो धर्म की स्थिति थी उस धार्मिक स्थिति में भी कबीलाई गुण या कबीलाई तत्व पर्याप्त विद्यमान थे। कभी यहाँ पर जो वैदिक स्थिति का जो वैदिक काल में जो धार्मिक स्थिति का स्वरूप था वो भौतिकवादी स्वरूप था। भौतिकवादी स्वरूप के अंतर्गत यहाँ जो कहना चाहिए कि भौतिकवादी स्वरूप जो था धार्मिक स्थिति का, इसमें भौतिक सुख सुविधाओं को ध्यान में रख करके कहना चाहिए प्रार्थना अर्चनाएं की जाती थी, जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए, धन धान्य से संपन्नता के लिए, इसके साथ साथ विजय प्राप्ति के लिए, अपने विजय अभियानों की विजय प्राप्ति के लिए, इसके लिए यहाँ पर धार्मिक मान्यताएं प्रचलित थी, धार्मिक प्रथाएं प्रचलित थी। और यहाँ पर जो धर्म था वो पूरा भौतिकवादी जीवन पर आधारित था और बहुदेववादी थे, ये बहुदेववादी थे लेकिन फिर भी प्रकृति के पूजक थे, बहुदेववादी होते हुए प्रकृति पूजक थे, बिल्कुल प्रकृतिकली थे, जिन प्राकृतिक कहना चाहिए प्रकोपों से या प्रकृति के जिन जिन प्रकृति की घटनाओं से ये डरते थे, भयभीत रहते थे, उनको प्रसन्न करने के लिए ये इनकी कहना चाहिए देवीय रूप में पूजा करने लगे। ऐसी स्थिति इसकी धार्मिक स्थिति थी, देवीय रूप में प्राकृतिक घटनाओं को डर के कारण या उसके भय के कारण ये इनको जो है देवीय रूप में स्थापित करके पूजा करने लगे थे। इसके आधार पर जो ऋग्वैदिक कालीन जो देवता होते थे उनको तीन भागों में बांटा गया, एक तो पृथ्वी के देवता जिसमें पृथ्वी अग्नि इत्यादि शामिल थे, दूसरे वायुमंडल के देवता इंद्र वरुण, तीसरे तुम्हारे जो थे आकाश के देवता जिसमें सूर्य और सावित्री समर्पित सावित्री हैं, सावित्री देवी को तो गायत्री मंत्र भी समर्पित है,
तो यहां से देखिए आपकी जो धार्मिक परंपराएं रही हैं, कहना चाहिए ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक परंपराएं रही हैं, वो प्रकृति पूजक हैं, बहुदेववादी हैं, और इनके धर्म का जो उद्देश्य है, इनकी धार्मिक प्रथाओं का जो उद्देश्य है, वह केवल भौतिकवादी है। भौतिकवादी है, मोक्ष प्राप्ति इनका धार्मिक, मोक्ष प्राप्ति इनका उद्देश्य नहीं था। इस आधार पर इनको बांटा गया है इन देवताओं में। तो इसमें पृथ्वी के देवता है, जो पृथ्वी है, इनमें इंद्र का बहुत बड़ा महत्व था, क्योंकि यहाँ की प्रमुख भावना का विलय जीवन होने के कारण यहाँ की जो प्रमुख भावना थी वो तुम्हारी सैन्य शक्ति, सैनिक भावना थी। सैन्य भावना होने के कारण युद्धों की अधिकता बनती थी यहाँ, और युद्धों के देवता, युद्ध के देवता यहाँ पर इंद्र को माना गया है। इसलिए इंद्र का कहना चाहिए वैदिक कालीन सभ्यता में इंद्र का बहुत बड़ा महत्व है। 250 स्तूप इंद्र को ही समर्पित है ऋग्वेद के, ऋग्वेद के 250 सूत्रों में इंद्र का वर्णन मिलता है। तो इस तरह से ये इनकी कहना चाहिए धार्मिक आस्थाएं थी। अब धार्मिक आस्थाओं के बाद यहाँ पर जो है धीरे धीरे इसमें कुछ परिवर्तन हुए, इनकी जो भौतिकवादी स्वरूप था उसमें परिवर्तन हुआ। यहाँ पर प्रकृति के पूजक थे, प्रैक्टिकली थे, है ना। अब इसके बाद उत्तर वैदिक काल में आते आते, उत्तर वैदिक काल में आते आते इनकी धार्मिक कहना चाहिए प्रथाओं में भी या धार्मिक प्रवृत्ति में भी परिवर्तन होने लगा। परिवर्तन कैसे होने लगा, जो यहाँ का जीवन था वो अभी जो ऋग्वैदिक काल की धार्मिक प्रथाएं थी वो धार्मिक आडंबर पर आधारित नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में इनमें धार्मिक आडंबरों की प्रधानता बढ़ी। यहाँ जो प्रमुख देवता थे इंद्र, यहाँ के प्रमुख देवता थे, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति हो गए। यहाँ से त्रिमूर्ति की अवधारणा आई। तो यहाँ पर आकर के उत्तर वैदिक काल में आकर के जो कहना चाहिए धार्मिक प्रवृत्ति में कुछ परिवर्तन हुए। जैसे यहाँ पर आराधनाओं का स्वरूप बदल गया, देवताओं की आराधनाओं का स्वरूप बदल गया। यहाँ जहाँ तो ऋग्वैदिक काल में भौतिकवादी था, यहाँ मोक्ष प्राप्ति के लिए भी, इस पर कहना चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए भी आराधना की जाने लगी। जो धार्मिक जीवन था उसमें बाहरी आडंबर आ गए, हर वेद से संबंधित एक ब्राह्मण ग्रंथ आ गया, और ब्राह्मण ग्रंथ आ गया इस तरह से, ब्राह्मण ग्रंथ आ गया और वेद के उच्चार करने वाले ब्राह्मण आ गए, पुरोहित आ गए, वेद का जो उच्चार करते हैं वो पुरोहित आ गए। और इन पुरोहितों के कारण धार्मिक आडंबर इसमें बढ़ने लगे, यज्ञों की प्रधानता बढ़ने लगी। अपने कहना चाहिए किसी भी भौतिक स्वरूप के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ जैसे यज्ञों की प्रधानता इसमें बढ़ गई, जिसके कारण धार्मिक जीवन था वो काफी कहना चाहिए कठिनाई पूर्ण होने लगा था। इसके साथ साथ यह संस्कारों का विस्तार हुआ। 16 संस्कार की जो बात की गई है वो 16 संस्कार जन्म से मृत्यु तक 16 संस्कार यहाँ पर चलने लगे, जो जन्म से मृत्यु तक चलते ही रहते थे। इस तरह से धार्मिक जीवन जो था उत्तर वैदिक काल के आते आते, जो धार्मिक जीवन था वो एक कष्टप्रद कठिनाई वाला जीवन हो गया था। इसलिए यहाँ पर कठिनाई वाला जीवन हो गया, जिसमें यज्ञों की प्रधानता, कर्मकांडों की प्रधानता, मूर्ति पूजा जैसी चीजों का कहना चाहिए इसमें समावेश हुआ। अब इन धार्मिक कट्टरता के कारण, इसमें खर्च बहुत अधिक हो गए, व्यक्ति अंधविश्वासी होने लगा पूरी तरह से। इन कमियों को दूर करने के लिए, यानी कठिनाई से, धार्मिक कठिनाई से सरलता का रास्ता खोजने के लिए छठी शताब्दी में आकर के जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विस्तार होता है, वो इसी का रिजल्ट है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति जो है वो इन उत्तर वैदिक काल की धार्मिक प्रथाओं और परंपराओं में होने वाले परिवर्तन ही है। इसके कारण जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास होता है, जिसे हम धर्म सुधार आंदोलन के, प्राचीन काल में धर्म सुधार आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से धार्मिक कहना चाहिए स्थिति का हमने इसमें अध्ययन कर लिया है। अब हम अगला अध्ययन करते हैं इसकी सामाजिक स्थिति का। वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति पर चर्चा करते हैं। तो देखिए वैदिक कालीन समाज भी कहना चाहिए कबीलाई परंपरा पर आधारित समाज था। इसमें स्पष्ट रूप से समाजवादी समाज था ये बिल्कुल, जिसमें कहना चाहिए कबीलाई समाज था, इसमें जाति व्यवस्था नहीं थी। समाजवादी जो समाज था इसमें
जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था जैसी चीजें नहीं थी। वर्ण व्यवस्था थी अगर जैसे जहां चतुर्थ वर्ण व्यवस्था की बात की गई है जिसमें चतुर्थ वर्ण व्यवस्था है, तो ये वर्ण व्यवस्था केवल कर्म के आधार पर थी, कर्म के आधार पर यह वर्ण व्यवस्था थी। और इसमें कहना चाहिए व्यक्ति का कर्म बदलने से, कर्म परिवर्तित होने से उसका वर्ण भी परिवर्तित हो जाता था। तो समाजवादी जो कहना चाहिए ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था वो समाजवादी व्यवस्था पर आधारित था जिसमें जाति व्यवस्था और स्पष्ट वर्ण व्यवस्था इसमें नहीं थी। ठीक है, इसके बाद चतुर्थ वर्ण व्यवस्था का यहाँ पर विकास हुआ जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र हुआ करते थे। लेकिन इनका ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का जो था विभाजन था वो उनके कर्म के आधार पर था। कर्म बदलने से, कर्म के बदलने से अब वर्ण व्यवस्था भी बदल जाती थी। जैसे एक इसमें कहना चाहिए एक उदाहरण मिलता है, इसमें एक बालक कहता है कि बालक कहता है मैं कवि हूं, मेरे पिता चिकित्सक हैं और मेरी माता आटा पीसने वाली है। मीस कर्म के बदलने के साथ साथ वर्ण व्यवस्था भी यहाँ पर परिवर्तित की जा सकती थी। दूसरी बात यहाँ पर महिलाओं की स्थिति की, अगला जो पॉइंट आ रहा है महिलाओं की स्थिति का है। तो ऋग्वैदिक कालीन समाज में जो महिलाओं की स्थिति थी काफी सम्मानजनक स्थिति थी। महिलाओं का बराबर उपनयन संस्कार होता था, महिलाएं आश्रम में जाकर के शिक्षा ग्रहण करती थी, महिलाएं धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी, यज्ञों में भाग लेती थी। ये सब महिलाओं को कहना चाहिए पूरे पूरे अधिकार थे, सम्मानजनक स्थिति में महिला थी। यहाँ तक कि महिलाओं ने ऋग्वेद को लिखने में, ऋग्वेद में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस तरह से यहाँ पर जो सामाजिक स्थिति थी ऋग्वैदिक कालीन समय की, जैसे जैसे समय बढ़ा उत्तर वैदिक काल आया तो उत्तर वैदिक काल में कुछ चीजें जैसे कि समाजवादी वर्ण व्यवस्था जो थी उसका स्वरूप बदला, जो वर्ण व्यवस्था थी उसका भी स्वरूप बदलने लगा। जैसे उत्तर वैदिक काल में हम पहुंचे तो यहाँ उत्तर वैदिक काल में संपत्ति की अवधारणा का विकास हुआ। संपत्ति की अवधारणा का विकास हुआ तो जो कहना चाहिए संसाधन थे उनका संसाधन पर वितरण जो था वो असमान होने लगा। असमान संसाधनों के वितरण के कारण यहाँ पर जो कहना चाहिए वर्ण व्यवस्था थी वो प्रबल होती गई। जैसे यहाँ पर जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चार थे। तो ब्राह्मण का स्थान इस पर सर्वोपरि होने लगा, सर्वोच्च स्थान ब्राह्मण का होने लगा। क्षत्रिय जो थे इनका दूसरा स्थान था, इनके रक्षा करना इनका उपयोग प्रमुख कार्य था। और इनमें भी लोहे के उपयोग के कारण, लोहे के अस्त्र शस्त्रों के उपयोग के कारण इन क्षत्रियों की भी सैन्य शक्ति विस्तृत होने लगी थी। सैन्य शक्ति का इनका विस्तार होने लगा, इनकी सैनिक शक्ति मजबूत होने लगी। तो इस तरह से वैश्य जो था, वैश्य एकमात्र करदाता जो टैक्स देता था, ऐसा यहाँ पर एक वर्ण था। इसके बाद शूद्र था, शूद्रों का जो कार्य है यहाँ पर केवल सेवा करना रह गया। और यहाँ पर इससे ही जाति प्रथा की भावना का विकास हुआ। शूद्रों को कहना चाहिए अछूत जैसे भाव से या हीन भावना से शूद्रों को देखा जाने लगा। यहाँ पर गोत्र की अवधारणा विकसित हुई, गोत्र की अवधारणा के कारण भी कहना चाहिए समाज में बंटवारा होने लगा, विभाजन होने लगा। और महिलाओं की स्थिति थी उसमें गिरावट आने लगी। जो महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक कालीन समाज में थी जिसमें महिलाओं का उपनयन संस्कार होता था, शिक्षा ग्रहण करती थी, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी, इन सब पर यहाँ प्रतिबंध लगा दिया गया। और महिलाओं का जो कार्यचित्र था वो ज्यादातर घर की चार दीवारी तक ही सीमित कर दिया गया। कुल मिलाकर के महिलाओं की स्थिति में यहाँ पर काफी गिरावट आई। इस तरह से समाज में धीरे धीरे करके समाज में भी कहना चाहिए विभाजन की स्थिति आ गई, समाज जो था वो बंटने की स्थिति में आ गया। ठीक है, तो वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति पर हम अब चर्चा करते हैं। जैसा कि इससे पहले हमें इसकी सामाजिक आर्थिक सामाजिक धार्मिक राजनीतिक स्थिति को पढ़ लिया है, अब हम आर्थिक स्थिति की चर्चा करते हैं वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति। तो दोस्तों क्या था वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था, जो वैदिक कालीन सभ्यता थी, वही कबीला जीवन जो बार बार चल रहा है, कबीला जीवन पर आधारित थे, घुमंतू थे।
तो यहां पर घुमंतु जीवन होने के कारण यानी कि इनका स्थायी निवास स्थान न होने के कारण ये कृषि का विस्तार अच्छी तरह से नहीं कर पाए, कृषि का विकास अच्छी तरह से नहीं कर पाए। इसलिए यहाँ पर प्रमुख रूप से यहाँ की अर्थव्यवस्था का जो आधार था वो था पशुपालन। पशुपालन वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। दूसरा व्यवसाय इनका था वो कृषि था। तो पशुपालन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार होने का कारण क्या रहा? तो पशुपालन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। इसका मुख्य जो कारण है, इसके दो कारण है। एक तो आर्यों जहां से आए थे, आर्यों जो आए थे जहां से इनका मध्य एशिया का जो निवास स्थान बताया गया है यहां से भारत में आए हैं आर्यों, तो मध्य एशिया में जो इनका निवास स्थान था वहां पर बड़े बड़े चारागाह पाए जाते थे। बड़े बड़े चारागाह पाए जाने के कारण वहां पर पशुपालन पहले से ही प्रचलन में था। दूसरा कारण ये भी था कि यहाँ का जो वैदिक सभ्यता में जो व्यक्ति थे या वैदिक सभ्यता के लोग थे उनका जीवन घुमंतु जीवन था, स्थायी निवास इसमें नहीं था, इसीलिए भी ये कृषि का विकास नहीं कर पाए। इसलिए इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन रहा। पशुपालन में जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान था वो गाय का था। गाय यहाँ की प्रमुख पशु था, गाय यहाँ का प्रमुख पशु था, इसलिए राजा को गोपति कहा जाता था। गाय यहाँ का प्रमुख पशु था, विनिमय के माध्यम के रूप में, मुद्रा के रूप में गाय का उपयोग होता था, गाय का यहाँ पर उपयोग होता था। तो गाय यहाँ का सबसे प्रमुख पशु था। गाय को लेकर के युद्ध तक होते थे, गाय की चोरी होती थी, ये सब इनका जो पशुपालन जो था इसका कहना चाहिए अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। दूसरा कृषि, कृषि इनका गौण व्यवसाय था। इसमें कृषि में कहना चाहिए बहुत ज्यादा विस्तार नहीं हो पाया क्योंकि अस्थायी जीवन था इनका, स्थायी निवास था नहीं। और दूसरी बात, यहाँ पर जो कृषि में जो कहना चाहिए ये भी फसल जौ की बात की जाती है, ज्यादातर जौ का साक्ष्य देखने को मिलता है, दूसरी फसलों के साक्ष्य यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से इसका कहना चाहिए पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। और दूसरा यहाँ पर देखते हैं कोई कर, कर की बात करते हैं तो कर जो था इनका कहना चाहिए इनका जो कर था वो तो आपका मुख्य कर था वो बलि था, बलि कर यहाँ भी चलता था। अर्थव्यवस्था में कहना चाहिए अगर राजा की जो कहना चाहिए कि राजा की अर्थव्यवस्था का जो साधन था, राजा के लिए जो धन प्राप्ति का साधन था वो बलि नाम का कर था। इसके साथ व्यापार एवं व्यवसाय, व्यापार एवं व्यवसाय का यह बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं था। व्यापार और व्यवसाय का बहुत ज्यादा प्रचलन इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ पर जो कृषि की जा रही थी वो निर्वाह जीवन पर आधारित थी। केवल कहना चाहिए अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप, आवश्यकता के लायक ही कृषि की जाती थी। यही पशुपालन से भी केवल आप अपने कहना चाहिए जीवन निर्वाह किया जा सकता था। ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कहना चाहिए अर्थव्यवस्था के आधिक्य नहीं था, अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त कहना चाहिए उत्पादन नहीं था, इसलिए यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य का विकास नहीं हुआ। और अर्थव्यवस्था केवल जीवन निर्वाह स्तर की होने के कारण, जीवन निर्वाह स्तर की अर्थव्यवस्था होने के कारण यहाँ पर व्यापार और व्यवसाय का तो विकास हुआ ही नहीं, साथ साथ यहाँ पर बड़े बड़े नगरों का भी विकास नहीं हो पाया। इसीलिए जो ये सभ्यता थी वो पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता इसलिए थी ये। और इसके बाद इसमें उत्तर वैदिक काल में जो जाते हैं तो उत्तर वैदिक काल में वही लोहे का उपयोग हो जाता है, लोहे की खोज होती है, और लोहे की खोज के कारण उत्तर वैदिक काल में कहना चाहिए कृषि में, कृषि के लिए जो उपकरण बनाए जाने लगे हैं वो लोहे के बनाए जाने लगे, जिससे क्या होता था उत्तर वैदिक काल के आते आते कृषि का एक व्यवस्थित स्वरूप सामने आया। और उत्तर वैदिक काल के आते आते इनकी अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण योगदान स्थापित हो गया, महत्वपूर्ण योगदान कृषि का स्थापित हुआ। ठीक है, इस तरह से इसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिले। अब यहाँ पर जो था कृषि के विस्तार के कारण यहाँ पर इसके साम्राज्य का भी विस्तार हुआ, इसका कहना चाहिए एरिया बढ़ा, जिसके कारण जनपद जैसी व्यवस्थाएं आने लगी। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर जो है इसकी वैदिक काल की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक स्थिति कंप्लीट होती है। मुख्य परीक्षा की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपकी तैयारी में
कहीं ना कहीं आपके लिए मददगार साबित होगा, कहीं ना कहीं ये लाभदायक होगा, आपके लिए उपयोगी वीडियो साबित होगा। वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।